हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर थ्री। ओके, क्या है? मोर अबाउट एमएस पेंट। एमएस यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट, उसी का शॉर्ट में लिखा गया है एमएस पेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ये जो पेंट है, एक सॉफ्टवेयर है, या ऐप भी आप बोल सकते हैं, या प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। इसका काम होता है ड्रॉइंग करने में, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी तक आप पेपर पे ड्राइंग कर रहे थे पेंसिल इरेजर कलर्स वगैरह का यूज करके, वही ड्राइंग आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। उसके लिए ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, फिर आपको सारे टूल्स वगैरह जो एक कंप्यूटर को और एक ड्राइंग करने के लिए जो भी टूल्स की जरूरत होती है, वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये सामने आपके टूल्स दिख रहा है और यहाँ पे आप ड्राइंग कर पाएंगे। ठीक है, माउस की हेल्प करेंगे, माउस की हेल्प लेंगे और फिर यहाँ पे आप ड्राइंग कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पेंट के बारे में। पेंट क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्यों लिखा गया है? एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बनाती है, और उसी ने ये सॉफ्टवेयर बना के आपको दिया है ताकि आप ड्राइंग कर पाएं। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो इसके बारे में आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट पेंट इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स यूजिंग वेरियस टूल्स। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है या ऐप है। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम है, दैट इज यूज टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर, ताकि आप कोई पिक्चर बना सके, उसको पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं या उसको कलर भी कर सकते हैं। यही काम के लिए आपको ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट सॉफ्टवेयर बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब ये ड्राइंग कैसे होगी, इसके लिए बहुत सारे टूल्स वगैरह की जरूरत होती है, जैसे कि पेंसिल है, आपको इरेजर है, कलर वगैरह है, और भी बहुत सारे आपको टूल्स की जरूरत होगी। तो हम इस सारे टूल्स के बारे में जानें, उससे पहले हम ये जानें कि पेंट को कैसे आप स्टार्ट करते हैं, पेंट पे काम कैसे स्टार्ट करेंगे, वर्क करना कैसे स्टार्ट करेंगे। तो पेंट को ओपन कैसे करते हैं पहले वो जानते हैं, हाउ टू ओपन पेंट। पेंट को स्टार्ट करने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाइए। ठीक है, यहां पे आपको मिलेगा ऑल एप्स, ऑल एप्स मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। ऑल एप्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगी विंडो, विंडो एसेसरीज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर फिर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपको यहां पे मिल जाएगा पेंट का ऑप्शन। पेंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला विंडो ओपन हो जाता है। देखिए ये विंडो है, इसमें बहुत सारे आपके सिंबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, क्या टूल्स वगैरह हैं, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे ड्राइंग कर पाएंगे। तो इसी को हमको समझना है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे वर्क करेंगे। तो जो आपका प्रीवियस क्लास था, क्लास टू, उसमें पेंट के बारे में, उसके टूल्स के बारे में काफ़ी कुछ समझाया गया था आपको। यहाँ पे आज की क्लास में हम उन्हीं सारे टूल्स को आज हम रिवाइज करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस विंडो को हम समझते हैं। विंडो में सबसे ऊपर में आपको मिल रहा है फाइल, होम और व्यू, तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। ये तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों टैब हैं, टैब का यूज करेंगे, जो जिस पे भी क्लिक करेंगे उसके अंदर फिर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसका हम यूज करेंगे। जैसे आप फाइल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको मिलता है ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, और भी बहुत कुछ आपको मिलता है। तो जैसे आप पिक्चर आपने बनाया तो उसको आप सेव करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो फाइल में जाएंगे और फिर जो सेव का ऑप्शन होगा उसको करेंगे, या पिक्चर पहले से बनी हुई है उसको ओपन करना होगा तो फिर उसी तरह फाइल में जाके फिर आप ओपन कर सकते हैं, तो वो पिक्चर आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये फाइल मेन्यू का काम है आपको, फाइल टैब का। होम टैब पे जब आप जाते हैं तो पिक्चर ड्रॉ करने के लिए जितने भी टूल्स की जरूरत होती है वो सारे टूल्स आपको कहाँ मिलते हैं, इसी होम टैब पे मिलते हैं। ओके, फिर आप व्यू टैब पे आप जाइए, व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको पिक्चर जब आपकी बन चुकी है, फिर अगर आप उसको जूम करना चाहते हैं,
उस पिक्चर को आप बड़े साइज में आप देखना चाहते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी कैसे होंगी, ये सारी चीज जो है आपको व्यू में मिलेगी। जैसे कि आप ग्रिड लाइंस, रूलर्स, ये सब आप चाह रहे हैं, तो सारे जो कुछ आपको मिलेगा, पिक्चर को जूम कराना है, ग्रिड लाइन, रूलर्स वगैरह, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो व्यू में जस्ट जो आपने पिक्चर बनाई है उसको देखने का तरीका है, व्यू करने का एक वे है आपको यहाँ पे मिलता है थर्ड में। अब हम यहाँ पे आते हैं टूल्स के बारे में। देखिए जैसे आप होम पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पूरी जो बॉक्स है, ये जो रिबन है आपको दिखेगा, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं जिसके हेल्प से आप यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, तो सबको वन बाय वन हम जानेंगे। सबसे पहले ये देखिए क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, ये सिंपली कट कॉपी और ये पेस्ट है। जब भी आप कोई पिक्चर बनाते हैं तो उसको जरूरत होती है ठीक है, तो उसको कट की, कॉपी की जरूरत होती है। आप इसको कट करके यहाँ पे ला सकते हैं, किसी और पेज पे लेके जा सकते हैं, तो ये सब आपकी कैसे फुलफिल होगी, तो यहाँ पे आप कटिंग से आप करेंगे। फिर आप इमेज वगैरह में है, इसके फिर अलग अलग है। जैसे पिक्चर तो बन गई, ये पिक्चर बन गया ठीक है। अब इसका मान लीजिए हमको पूरा पार्ट नहीं चाहिए, हमको इसको क्रॉप करना है, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ग्रुप कौन सा है, इमेज ग्रुप ठीक है। ये ग्रुप भी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कौन से ग्रुप में कौन सा टूल है। तो क्लिपबोर्ड में आपको कट कॉपी पेस्ट मिला, इमेज में फिर आपको सेलेक्ट करना है पूरे पिक्चर को, वो मिल जाएगा आपको, क्रॉप रिसाइज मिल जाएगा। टूल्स में आप आइए, टूल्स में देखिए यहाँ पे पेंसिल है, फिल विद कलर है, टेक्स्ट टूल है, इरेजर टूल है, ये सारे टूल्स हैं यहाँ पे, मैग्नीफायर टूल्स है, तो ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। सबके डिफरेंट वर्क हैं, आपको उसको भी हम समझेंगे। फिर आप नेक्स्ट समझिए क्या है, शेप्स। यहाँ पे अलग अलग शेप अगर आप यहाँ पे खींचना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रायंगल खींचना चाहते हैं, ट्रायंगल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो आप या तो पेंसिल की हेल्प से आप करेंगे, लेकिन वो उतना स्मूथ नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं दिखेगा। उसके लिए क्या है, यहाँ पे शेप दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सर्कल का भी शेप है, सर्कल को आप जस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सर्कल आपका यहाँ पे बन जाएगा ठीक है। कैसे करेंगे उसको, इस ग्रुप को समझने के बाद उस टॉपिक पे आएंगे। अभी देखिए फिर यहाँ पे कलर है, कलर आपको बहुत सारे दिए गए हैं। अगर आप इनमें से कलर इतने सारे, अगर इसमें से कोई कलर आपको पसंद नहीं है, तो कलर आप खुद से भी रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन आप तैयार कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है आपको करने का। तो ये सारे अलग अलग ग्रुप थे यहाँ पे। ये जो टूल्स वाला जो ग्रुप हमने देखा, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं और ये सेव भी बहुत सारा है। इन्हीं के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में जाना था, प्रीवियस क्लास टू में इन टूल्स के बारे में आपको बताया गया था। वो चीज आपको फिर से यहाँ पे क्या होने जा रही है, रिवाइज होने जा रही है। तो अब ध्यान से देखेंगे वन बाय वन टूल। जैसे कि सबसे फर्स्ट है आपका, वो है आपको पेंसिल टूल। देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका पेंसिल टूल। इस पेंसिल टूल को या कोई भी टूल को जब यूज करना होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉ। जब भी इनमें से किसी टूल को आपको यूज करना हो, आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। कैसे करना होगा, जैसे इस पेंसिल टूल से आप यहाँ पे कुछ ड्राइंग करना चाहते हैं ठीक है, तो पेंसिल टूल आपको चाहिए, पिक करना होगा। अब माउस का पॉइंटर यहाँ पे ले जाइए, यहाँ पे माउस का पॉइंटर आ गया, उसके बाद लेफ्ट वाला बटन आपको प्रेस किए रहना है, और प्रेस करके फिर उसको मूव करा के ले आना है यहाँ नीचे ठीक है। जब आप नीचे ले आएंगे फिर आप ड्रॉप कर देंगे, और फिर आपको जो भी यहाँ पे फिगर बनानी है, ड्राइंग बनानी है, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन क्या होगा कि जब आप पेंसिल का यूज करते हैं, तो ये फ्री हैंड ड्राइंग होती है ठीक है। फ्री हैंड ड्राइंग आप जिधर भी आप मूव कराएंगे, वो उस तरह से आपकी लाइन भी मूव होती जाएगी। ये फ्री हैंड ड्राइंग है जो पेंसिल से किया जाता है। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, जब भी आप कोई लाइन आप खींचे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही हो, ऐसा पॉसिबल है जब आप लाइन टूल का यूज करेंगे ठीक है। तो इन टूल्स के बारे में और भी डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।